हेलो एवरीवन, सीए पूजा केला हियर। आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। दोस्तों, हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर कर रहे हैं और अब तक हमने देखा है कि रेशियोज कैसे कैलकुलेट करते हैं और गुडविल की ट्रीटमेंट कैसे होती है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दैट अगर एसेट्स और लाइबिलिटीज को हमें रीवैल्यू करना पड़े व्हेन एन पार्टनर कम्स इनटू द बिजनेस तो हम कैसे करेंगे, और अगर बैलेंस शीट में कोई रिजर्व्स हो, कुछ सरप्लस हो, कुछ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स या लॉसेस हो व्हेन द पार्टनर इज कमिंग इनटू द बिजनेस तो हम क्या करेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए बच्चों, एसेट्स और लाइबिलिटीज रीवैल्यू करना, इसका क्या मतलब हुआ? जब एक कोई नया पार्टनर बिजनेस में आया, उससे पहले जो दो पार्टनर्स थे ए और बी फॉर एग्जांपल, इन दोनों ने खूब मेहनत की, इन्होंने बिजनेस बनाया, इनका एक बैलेंस शीट है, इनके बिजनेस फर्म का एक बैलेंस शीट है, यहाँ पे बहुत सारे एसेट्स है, लेकिन ये एसेट्स का जो डेट है वो क्या है, बहुत पुराना, जब लिया था 10 साल पहले। अगर बिजनेस 10 साल पहले चालू हुआ तो जब जब हमने एसेट्स खरीदे उनकी हिस्टोरिकल वैल्यू पे ये एसेट्स आ रहे हैं, राइट। अभी फ्यूचर में जाके, ओके, जो फ्यूचर में जाके अगर एक लैंड है फॉर एग्जाम्पल, उसकी वैल्यू है, जब खरीदा था बहुत कम पैसे में खरीदा था, 50,000 पे खरीदा, ऑल राइट। और अगर बाद में कभी फ्यूचर में जाके, मतलब और 10 साल के बाद इसे अगर बेचा, इसकी वैल्यू हो गई 5 लाख, 5 लाख रुपीस। तो ये जो प्रॉफिट है 4,50,000 का, अगर सी का एडमिशन हो जाती है बिजनेस में, आफ्टर सीज एडमिशन अगर ये बेचा, तो ये सारा के सारा जो प्रॉफिट है 4,50,000 का, ये किसे जाने वाला है? ये बट जाएगा तीनों पार्टनर्स में, करेक्ट, बिकॉज तीनों पार्टनर्स हो गए अभी। लेकिन ए और बी ने मेहनत की थी, ए और बी इस पोजीशन पे 10 साल के बाद लेके आए हैं बिजनेस को, राइट। तो फिर ये तो ए और बी के साथ ना इंसाफी हो जाएगी, सी को तो बैठे बिठाए प्रॉफिट मिल जाएगा, करेक्ट। जैसे हमने गुडविल का भी देखा, गुडविल एसेट है, राइट, वैसे ही बाकी सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज का भी होता है। हम बाकी सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज को रीवैल्यू करेंगे, मतलब जब एक नया पार्टनर बिजनेस में आया उस टाइम पे उस एसेट की क्या वैल्यू है वो निकाल के हम बैलेंस शीट में लिख देंगे, एसेट या लाइबिलिटी। और जो वैल्यू रहेगी, अगर देयर इज एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट, इसका मतलब क्या हो गया, पार्टनर्स का बेनिफिट हो गया, करेक्ट। तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है ए एंड बी, उनको वो बेनिफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सिमिलरली अगर कोई लाइबिलिटी है, कोई क्रेडिटर है जो अनरिकॉर्डेड है, या फिर उसका पैसा हमें देना है जो अभी तक नहीं दिया है, उसकी अमाउंट बढ़ गई है, तो जो भी ऐसे सिनेरियोज है जिसके वजह से कुछ नुकसान होने वाला है, तो सी बोलेगा कि बाबा आपने बिजनेस किया, उसके वजह से जो नुकसान होने वाला है मैं उसका भागीदार क्यों बनूं, व्हाई शुड आई बेयर द लॉस। तो जो भी लॉस रहेगा वो भी सिर्फ ए और बी बेयर करेंगे, जब तक सी बिजनेस में आया है। मतलब अगर सी आ रहा है 1 अप्रैल 2012 को बिजनेस में, तो 1 अप्रैल 2012 तक का जो भी लॉस है, उस तक का जो भी प्रॉफिट है फॉर दीज एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, वो ए और बी में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एंड देन वी स्टार्ट विद अ फ्रेश बैलेंस शीट, एक फ्रेश स्लेट से हम स्टार्ट करेंगे, एंड देन सी विल बी हैप्पी दैट ओके नाउ आई एम रेडी टू शेयर योर एसेट्स और लाइबिलिटीज का, इससे आगे जो भी फायदा होगा, इसके आगे जो भी नुकसान होगा, दैट आई विल शेयर विथ यू ऑल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक नया अकाउंट बनाएंगे जिसे हम बोलते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट, इसमें क्या होगा, जो जो चेंज होगा हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज में, ठीक है, उनकी बुक वैल्यू में जो जो चेंज होगा, या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ओके, जो भी चेंजेस है वो हम रिकॉर्ड करेंगे। एंड देन एट द एंड, जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करते हैं, वैसे ही रीवैल्यूएशन का कुछ प्रॉफिट आएगा या कुछ लॉस होगा, जो भी होगा हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में, ठीक है, बिकॉज सारे पार्टनर्स जो भी ओल्ड है उनके वजह से ये सरप्लस हुआ है या उनके वजह से ये नुकसान हुआ है, ठीक है। सो लेट अस लुक वन बाय वन की क्या एंट्रीज पास होंगी। अगर देयर इज एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट, किसी एसेट का वैल्यू अगर बढ़ जाता है, तो देखिए जर्नल एंट्रीज याद करिए, हम क्या करते हैं, एसेट का वैल्यू बढ़ाना है तो एसेट को हमें डेबिट करना पड़ेगा, क्रेडिट किससे करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट को।
ठीक है। सिमिलरली किसी लाइबिलिटी का अगर हमें डिक्रीज करना है, लाइबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, अगर डिक्रीज करना है तो मैं क्या करूंगी, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्युएशन, ठीक है। इसका उल्टा होगा, अगर एसेट में कोई डिक्रीज हुआ तो रिवैल्युएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, एसेट को डेबिट बैलेंस होता है, अगर डिक्रीज करना है तो मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर किसी लाइबिलिटी में इंक्रीज हुआ है, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, मुझे इंक्रीज करना है तो वापस क्रेडिट करना पड़ेगा, तो रिवैल्युएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी, करेक्ट। तो एसेट्स और लाइबिलिटीज का इंक्रीज डिक्रीज तो हमने देख लिया, अभी हम क्या देखेंगे, अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है या अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, मतलब जो हमने रिकॉर्ड नहीं किया या बिजनेस से भूल गए रिकॉर्ड करना, ऐसे केस में क्या करेंगे, एसेट को रिकॉर्ड करना है, एसेट बिजनेस में दिखेगा तो उसे डेबिट करना पड़ेगा, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्युएशन अकाउंट। सिमिलरली लाइबिलिटी को बिजनेस में दिखाना है, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो हमारी एंट्री क्या आएगी, रिवैल्युएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी, ठीक है। तो ये सब करने के बाद देखिए हमारा रिवैल्युएशन का फॉर्मेट आप देख लो एक बार, एसेट को अगर कुछ मेरा इंक्रीज है या लाइबिलिटी में डिक्रीज है, या एसेट में डिक्रीज है लाइबिलिटी में इंक्रीज है, ऐसा मैंने एक रिवैल्युएशन अकाउंट बनाया जिसका फॉर्मेट इज सिमिलर टू योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर माय क्रेडिट साइड टोटल इज मोर, इसका क्या मतलब हो जाएगा, मुझे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है, सो आई विल डिस्ट्रीब्यूट दिस प्रॉफिट टू द ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो। इसका क्या एंट्री आएगी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की, देखो रिवैल्युएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रिवैल्युएशन अकाउंट को मैं डेबिट करूंगी अगर मेरे पास प्रॉफिट आता है रिवैल्युएशन से, वाइस वर्सा अगर लॉस हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, डेबिट साइड की टोटल ज्यादा हो जाएगी, तो मैं क्या करूंगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्युएशन इन केस ऑफ लॉस। देखो यहाँ पे एंट्री आपकी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्युएशन, ठीक है, समझ में आ गया, बहुत आसान है ये सारा, जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज है उसका आपको चेंज रिकॉर्ड करना है, और जो भी प्रॉफिट या लॉस रहेगा ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ठीक है। हम एक सिंपल एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि वी गेट अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग, और इसके बाद जब हम कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम्स करेंगे तो हम ये सब करने ही वाले हैं वापस, ठीक है। A and B are sharing profits in the ratio 1:1. They had the following balance sheet as on 31st March 2012. तो ये balance sheet हमें दी हुई है, उसके नीचे क्या दिया है देखते हैं। On 1st April 2013, they admitted C as one-third partner in the firm. Following additional information is given. देखिए information क्या है? Provision of 10% is to be created on debtors. मतलब debtors के लिए मुझे कुछ revaluation करना है। Land and building is to be valued at 80,000. लैंड एंड बिल्डिंग में मुझे कुछ पास करनी है एंट्री। स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 20%, तो स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी को भी इफेक्ट होगा। प्रिपेयर रिवैल्युएशन अकाउंट एंड पास जर्नल एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ रिवैल्युएशन प्रॉफिट और लॉस। तो अभी हमें क्या करना है, रिवैल्युएशन का फॉर्मेट बनाना है रिवैल्युएशन अकाउंट का, इट इज सिमिलर टू योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो आप ऐसे प्रॉपर एक फॉर्मेट बना लीजिए, रिवैल्युएशन अकाउंट ठीक है, डेबिट और क्रेडिट, ऑलराइट, एंड वी हैव टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एज वेल। तो अभी क्या करेंगे, एक एक जर्नल एंट्री देखेंगे एंड रिवैल्युएशन पे उसका इफेक्ट भी दे देंगे। पहली जर्नल एंट्री क्या आएगी, प्रोविजन इज टू बी क्रिएटेड ऑन डेटर्स 10%। डेटर्स कितने हैं देखो बैलेंस शीट में, 26,000, इसका 10% इज वॉट 2,600। अभी अगर मुझे प्रोविजन क्रिएट करना है तो प्रोविजन को कौन सा बैलेंस होता है याद करो, डेटर्स का डेबिट बैलेंस है, तो प्रोविजन क्या रहेगा उल्टा, क्रेडिट बैलेंस। तो मेरी एंट्री क्या आएगी, माय फर्स्ट एंट्री विल बी रिवैल्युएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितनी है अमाउंट 2,600 बीइंग प्रोविजन क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट्स, करेक्ट। तो इसका मुझे अभी मैं ट्रांसफर भी कर लेती हूँ रिवैल्युएशन अकाउंट को, रिवैल्युएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स,
2600। ओके ऑल राइट, अभी सेकेंड क्या है एंट्री, लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट 80,000, मतलब लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू आपकी 80,000 है। तो बैलेंस शीट में कितनी है देख लेते हैं, बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग 60,000 पे दिख रहा है, मतलब मुझे इसका वैल्यू कम करना है या बढ़ाना है, मुझे 80,000 करना है, इसका मतलब मुझे इंक्रीज करना है लैंड एंड बिल्डिंग के वैल्यू को। अगर एसेट की वैल्यू को बढ़ाना है तो एसेट को मुझे डेबिट करना पड़ेगा, एंड व्हाट इज द इंक्रीज, 80,000 दिखना चाहिए, मतलब इंक्रीज कितना है 80 - 60, दैट इज 20,000 का इंक्रीज है, तो 20,000 से मुझे लैंड एंड बिल्डिंग को डेबिट करना पड़ेगा। सो नाउ माय एंट्री विल बी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 20,000, करेक्ट, एसेट की वैल्यू मुझे बढ़ानी है, और मैं क्रेडिट किसे करूंगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट 20,000, ओके okay? और इसका मुझे अभी ट्रांसफर करना है रीवैल्यूएशन अकाउंट को यहां पे, तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग अमाउंट इज 20,000, समझ में आ गया। तो चलो हम अभी इसे टिक कर देते हैं सेकंड को। थर्ड क्या दिया है देखो, स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 20%, मतलब इनकी वैल्यू मुझे कम करनी है। अगर एसेट की वैल्यू कम करनी होती है तो हम एसेट को क्या करते हैं, एसेट को हम करेंगे क्रेडिट, कितने से कम करना है देखते हैं। स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक 40,000 पे दिख रहा है, इसका 20% दैट इज 8,000 रुपीज, एंड प्लांट एंड मशीनरी इज 70,000, इसको कम करना है 20% से, 7 × 2 = 14, मतलब 14,000 रुपीज। तो हमारी एंट्री क्या आएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक इट इज 8,000, एंड सेकेंड इज प्लांट एंड मशीनरी इज रिड्यूस बाय 20% 14,000, तो टू प्लांट एंड मशीनरी 14,000, तो अभी इसका भी इफेक्ट मेरा रिवैल्यूएशन को जाएगा, राइट, रिवैल्यूएशन को मैंने डेबिट कर दिया है, तो रिवैल्यूएशन को मुझे तीनों से डेबिट करना है, 2600 प्लस 8,000 प्लस 14,000, तो मेरा आंसर क्या आएगा यहाँ पे 24,600, करेक्ट। अभी इसका मुझे इफेक्ट देना है रिवैल्यूएशन अकाउंट को, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में चलते हैं, और यहाँ पे मैं इफेक्ट दूंगी टू स्टॉक 8,000 एंड टू प्लांट एंड मशीनरी 14,000, करेक्ट। तो अभी क्या हो गया, मैंने सारे ये भी एंट्रीज पास कर ली, अभी क्या करना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट का मुझे बैलेंस निकालना है, डेबिट है या क्रेडिट है वो देखेंगे हम पहले। तो चलो अब रीवैल्यूएशन अकाउंट की टोटल देखते हैं, यहाँ पे डेबिट साइड की मेरी टोटल आ रही है 24,600 और क्रेडिट साइड की टोटल है 20,000, इसका मतलब क्या हुआ, देयर इज अ लॉस रीवैल्यूएशन का, डेबिट साइड ज्यादा है, राइट, लॉस कितना हो गया 24,600 - 20,000, दैट इज 4,600, ये 4,600 का क्या होगा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा इन द ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में, तो ओल्ड पार्टनर्स कौन है, ए एंड बी, और उनका ओल्ड रेशियो इज इक्वल, तो मुझे इक्वली अभी डिवाइड करना है इस लॉस को, तो ये क्या होगा, बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू ए एंड बी 2,300 एंड 2,300, मैंने इक्वली वो जो 4,600 था उसे डिवाइड कर दिया, करेक्ट। तो क्या हुआ, लॉस हमने ट्रांसफर की, उसकी हमने एंट्री क्या पास की, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,300, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,300 टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो चलो हम ये एंट्री यहां पे लिख लेंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,300, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,300, और क्रेडिट किसे करना है, रीवैल्यूएशन को 4,600, बीइंग रीवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो,
ठीक है, समझ में आ गया कि हमें कैसे करना है, एसेट्स और लाइबिलिटीज को रीवैल्यू करना है। ऐसे आपको अलग अलग ऐसे सिनेरियो दिए जाएंगे और ऐसे हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट निकालना है और जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ठीक है, हम जब कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम्स देखेंगे तो उसमें और भी डिटेल में हम ये सब देखने वाले हैं। ये मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ आज। ठीक है, ऑलराइट, तो अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है आज की हम देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, जब कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या लॉसेस होंगे तो हम कैसे करते हैं। जैसे हमने एसेट्स और लाइबिलिटीज का देखा, वैसे ही अगर मेरे बैलेंस शीट में जब नया पार्टनर आ रहा है 1 अप्रैल 2012 को, अगर सी इज कमिंग इनटू द बिजनेस, उससे पहले मेरा अगर बैलेंस शीट जो है फर्म का, उसमें कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या एक्यूमुलेटेड लॉसेस है, तो दीज लॉसेस एंड प्रॉफिट बिलोंग टू हूम? दे बिलोंग टू द ओल्ड पार्टनर्स, राइट? ये किसके वजह से आए हैं प्रॉफिट्स? ओल्ड पार्टनर्स के वजह से, राइट? ओल्ड पार्टनर्स ने मेहनत की, उन्होंने हर साल कुछ रिजर्व्स में पैसा रखा, राइट? और देन दे फॉर्म्ड दीज रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है उनके पास, तो इसका जो भी पैसा रहेगा, इसका बेनिफिट रहेगा, वो किसे जाना चाहिए? ओल्ड पार्टनर्स को जाना चाहिए। तो अगेन व्हाट वी विल डू, जो भी बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में है, जो भी सरप्लस है, जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है, जो भी रिजर्व्स है, वो सारे के सारे हम ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एंड सिमिलरली जो भी हमारे लॉसेस है एक्यूमुलेटेड, वो भी सारे ओल्ड पार्टनर्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन दी ओल्ड रेशियो। लेट अस लुक एट द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। देखिए क्या है, फर्स्ट, फॉर रिजर्व्स दैट आर ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, अगर लाइबिलिटी है, इसका मतलब क्या हुआ, ये मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये जो भी प्रॉफिट्स है वो मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो मेरी एंट्री क्या आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, मतलब लाइबिलिटी साइड में है, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जो भी आपका बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में दिख रहा है वो अकाउंट मुझे क्लोज करना है। लाइबिलिटीज में दिख रहे मतलब उनका क्रेडिट बैलेंस होगा, करेक्ट? अगर मुझे क्लोज करना है तो मुझे उन्हें करना पड़ेगा डेबिट, तो मैं उन्हें डेबिट करूंगी एंड आई विल ट्रांसफर दिस टू द ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो, करेक्ट? इसका उल्टा, व्हेनेवर देयर आर रिजर्व्स ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, व्हाट आई विल डू, ये सब मैं ट्रांसफर करूंगी टू द ओल्ड पार्टनर्स, तो इसलिए ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट मुझे डेबिट करना पड़ेगा, और ये जो एसेट साइड है इसका मतलब डेबिट बैलेंसेस है, तो इसीलिए मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये सारे अकाउंट्स को मैं क्रेडिट कर दूंगी। अंडरस्टूड? हमें क्या करना है, अगर बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में कोई रिजर्व, सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसका मतलब उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, तो मुझे उसे डेबिट करना है और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है। एंड इफ देयर इज सम अमाउंट इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, दैट मींस उसका कोई भी डेबिट बैलेंस है, सो आई विल ट्रांसफर इट टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर के कैपिटल को मुझे डेबिट करना होगा। ठीक है, लेट अस लुक एट अ सिंपल एग्जांपल, तो और हमें डिटेल में समझ जाएगा कि हमें क्या करना है। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 1:1। दे एडमिट सी फॉर 1/3 प्रॉफिट्स। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ सी, द बैलेंस शीट शोड अ जनरल रिजर्व ऑफ 60,000 एंड अ बैलेंस ऑफ 20,000 इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द एसेट साइड। एसेट साइड में अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिख रहा है, इसका मतलब ये डेबिट बैलेंस है, ये एक्यूमुलेटेड लॉस है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो अभी क्या होगा, ओल्ड पार्टनर्स को जो भी बेनिफिट है रिजर्व्स का वो भी मिलेगा, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है उसका भी नुकसान जो है वो ओल्ड पार्टनर्स को ही जाएगा। ठीक है, तो हम अभी एंट्री पास कर लेते हैं वन बाय वन, जर्नल का फॉर्मेट बना लो। फर्स्ट एंट्री विल बी जनरल रिजर्व का जो ट्रांसफर है, वो जनरल रिजर्व को हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, अगर मुझे क्लोज करना है तो मुझे डेबिट करना पड़ेगा, तो मेरी एंट्री क्या होगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000 टू ए एंड टू बी, सो टू एज कैपिटल एंड टू बीज कैपिटल, ये मुझे ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओल्ड रेशियो क्या है यहाँ पे, 1:1, तो चलो 60,000 को डिवाइड कर लेते हैं 30,000 and 30,000, करेक्ट? वेरी इजी, ओके। सेकेंड एंट्री क्या है, देखो बैलेंस ऑफ 20,000 इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द एसेट साइड, एसेट साइड है, इसका मतलब डेबिट बैलेंस है, मुझे क्लोज करना है तो मुझे करना पड़ेगा
क्रेडिट, मैं डेबिट किसे करूंगी, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को, तो यहां पे मेरी एंट्री क्या आएगी, एज अकाउंट डेबिट, बीज अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्या है, एक्यूमुलेटेड लॉसेस होंगे कुछ, 20,000 के है, मुझे इक्वली डिवाइड करना है, तो मेरा अमाउंट होगा 10,000 and 10,000। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया, सारा जो भी रिजर्व सरप्लस या जो भी दिया था बैलेंस शीट में एज ऑन द डेट ऑफ द न्यू पार्टनर्स एडमिशन, वो मैंने सारे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने देख लिया है कि हम अगर एसेट्स और लाइबिलिटीज रिवैल्यू करते हैं तो क्या करते हैं, नया पार्टनर आने के बाद जब हम कोई रिजर्व सरप्लस है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो कैसे इफेक्ट होता है। ठीक है, आई थिंक कि आपको सब ये बहुत क्लियरली समझ गया होगा। अभी इसके बाद हम एक एक करके सारे कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम्स देखेंगे, फ्रॉम सिंपल टू डिफिकल्ट, मैं सब आपको क्लियरली समझाने वाली हूँ। मेरे साथ बने रहिए, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए, ताकि मुझे समझ में आए कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है, और आपके कोई भी डाउट्स होंगे तो मुझे जरूर पूछिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।